नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं आपके साथ खुशबू खान और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भरतपुर की। भरतपुर में आज 108 फीट के गोवर्धन जी के विग्रह की विशेष पूजा होगी। गाय के गोबर से तैयार 108 फीट लंबा गोवर्धन तैयार किया गया है। जिला प्रशासन, विप्र फाउंडेशन और सर समाज द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। कॉलेज ग्राउंड में आज भव्य तरीके से विशेष पूजा होगी। लेजर लाइट और साउंड शो का भी आयोजन किया जाएगा। देश में सबसे बड़ा गोवर्धन होने का दावा भी किया जा रहा है। का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराने की तैयारी भी है। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह और राज्य मंत्री सुभाष गर्ग इस दौरान मौजूद रहेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी देवेंद्र सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए। देवेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, इस वक्त हम कॉलेज ग्राउंड में मौजूद हैं, जहां पर जो देश का सबसे बड़ा 108 फुट का गिरिराज जी का विग्रह तैयार किया गया है, जिसकी आज शाम 5 बजे पूजा शुरू की जाएगी। इसकी तैयारियां लगातार जिला प्रशासन, विप्र फाउंडेशन, सब समाज द्वारा की जा रही थी। आप देख सकते हैं किस तरह तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, किस तरह रंगीन छटा यहाँ पर गिरिराज जी की देखने को मिल रही है। गिरिराज जी जो ब्रज के आराध्य देव हैं, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने, जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया, उन्होंने ही पर्यावरण और प्रकृति को बचाने के लिए जब ब्रज में लीलाएँ की, तो गोवर्धन लीला उनकी एक प्रमुख लीलाओं में से है। यहाँ पर उनकी लीला को दर्शाने के लिए गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है। इस गोवर्धन पूजा को यहाँ पर आज किया जाएगा और इस पूरे कार्यक्रम को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराने का भी दावा किया जा रहा है, क्योंकि विश्व में सबसे बड़ा जो विग्रह है गोवर्धन जी का यहाँ तैयार किया गया है। मैं कैमरा पर्सन राहुल को कहूँगा कि वो दिखाएं किस तरह की तस्वीरें हैं, यहाँ लोग किस तरह लगातार 2 से 3 दिन से और कई दिनों से प्रशासन के लोग भी और जो सर समाज के लोग हैं, विप्र फाउंडेशन के लोग हैं, तमाम महिलाएं, तमाम कार्यकर्ता, गिरिराज जी में आस्था रखने वाले भक्त, तमाम वो लोग हैं जो लगातार यहाँ पर इन तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। हमारे साथ विप्र फाउंडेशन के जिला महामंत्री विपुल शर्मा हैं, इनसे जानेंगे कि किस तरह की तैयारियां विप्र फाउंडेशन ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर की हैं, क्या क्या तैयारियां की गई हैं और शाम 5 बजे जब यह कार्यक्रम शुरू होगा तो कैसा भव्य इसका रूप होगा और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो दर्ज कराने की तैयारी है उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? ये अभी जो सबसे सर्वप्रथम तो गिरिराज महाराज की जय, जो ब्रज के आराध्य हैं गिरिराज जी, उनका यहाँ 108 फुट का एक विग्रह बनाया गया है, एक बड़ा विशाल एक रूप बनाया गया है। भरतपुर शहर में ये एक पहली बार एक इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है जिसमें जिला प्रशासन पूरी तरीके से सहयोग कर रहा है। इसमें पूरा एक बाहर से गोवर्धन से मथुरा से बुलाने वाले इसको बनाए कारीगर बुलाए गए हैं। गाय के गोबर से पूरा निर्मित करा गया है, फूलों से, गुलाल से इसको सजाया जा रहा है। शाम को जो पूजा होगी 5 बजे, उसमें एक गाय भी यहाँ पर बुलाई गई है, गाय और बछड़ा, जिसकी कि गाय और बछड़े के साथ पूजा अपने मंत्री जी और जिला प्रशासन यहाँ पे आके करेंगे। नहीं, बड़ी बात यह कि राजस्थान में लगातार जिस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं, चाहे लगातार लंपी का प्रकोप रहो, गोवंश जिस तरह जूझ रहा है, उस तरीके से एक बड़ा आयोजन जो इनोवेशन आपने लिया जिला प्रशासन के साथ मिलकर विप्र फाउंडेशन ने, उसको देख उसके कितने प्रयास कारगर, लोग किस तरह उत्साहित थे, भरतपुर जिले के लोग कितनी संख्या में लोग शामिल। मैं अभी पीछे अगर 2-3 साल से बात करें तो कोरोना के कारण जो पिछली बार से 2-3 सालों से जो त्यौहार दिवाली हो या होली हो, कोई भी त्यौहार नहीं था, इस बार थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इसमें प्रशासन में और आम जनता में बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। प्रशासन का इसमें पूरा पूरा सहयोग मिला, विप्र फाउंडेशन ने ये भीड़ा उठाया और लोग इसमें बहुत ही बढ़ चढ़ के, बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर इसमें जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और शाम को उम्मीद है कि यहाँ पर शायद हज़ारों की संख्या में यहाँ पर पब्लिक आएगी दर्शन करने। बिल्कुल जी, चलो ये तो रहा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भी कुछ देर पहले सुबह आए थे, जिला प्रशासन के लोग मौजूद थे, कलेक्टर थे, SP थे, तमाम अफसर, तमाम वो लोग मौजूद थे। गिरिराज जी को लेकर जिस तरह की आस्था लोगों में है उसको लेकर एक खासा जुड़ाव भी लोगों के बीच है, क्योंकि ब्रज के आराध्य देव हैं, गोवर्धन बिल्कुल नजदीक में लगा हुआ है भरतपुर से और भरतपुर रियासत के जो ठीक है उसके भी आप नजर बनाए रखिए। पल पल का अपडेट आपसे लेते रहेंगे। खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।